उसको कौन सा बोलते हैं? स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। स्ट्रेचर यार ना रहेगा तो याद रखना, जो स्ट्रेचर सुलाता नहीं है उसकी तरह क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर कहते हैं ना। हाँ, तो वाली बॉन्ड होता है कौन सा? 4 इंची। 4 इंच। और 9 इंची का इंग्लिश कौन सा होता है? इंग्लिश बॉन्ड। और मेन होल का जो होता है हेडर बॉन्ड कौन सा होता है? हेडर बॉन्ड। एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड। 4 बॉन्ड हो गया। ईट की साइज पता हो गया 230, 115 और 75, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर। प्लास्टर का इंटरनल जो अंदर का, दो प्लास्टर होते हैं, अंदर एक बाहर, दोनों का थिकनेस अलग अलग होता है। कौन है मिस्त्री इसमें? ये लोग तो मिस्त्री है। कितने होता है मोटाई? कितना होता है? 12 mm। कितना होता है? 12 mm होता है। और बाहर का कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला हेल्पर में लोकल एरिया में गांव में तो फीट इंच ये सब चलता है क्या? मतलब 1000 mm में कितना मीटर होता है? 1 मीटर। मतलब 1 मीटर है तो एमएम में बोलेंगे तो 1000 mm बोलेंगे, ऐसा ना लगे 1000 है तो बहुत बड़ी होता है, ठीक है। 1 मीटर ही होता है क्या? लोग अगर नया उसको बोल दे 1000 mm तो सोचेगा कितना दूरी होगा, लेकिन वो 1 मीटर को एमएम में 1000 कहते हैं। तो 20 mm कौन सा होगा? बाहर का प्लास्टर। बाहर का कितना होगा? 20 mm। दो बार में किया जाता है बाहर प्लास्टर। कैसे किया जाता है? पहले कच्चा करते हैं, कितना करते हैं? 12 mm, ठीक है। और उसपे 8 mm क्या करते हैं? फिनिश करते हैं, पक्का करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। दो कोट में होता है क्या? कैसे करते हैं? साहू लटकाया जाता है ऊपर से, लटकाते हैं ना साहू बाइंडिंग वायर में। कितने तरह का हो गया? कितने का होगा? 1/4 का होता है क्या? 1/5 का। सीलिंग का अलग होता है, सीलिंग का भी 1/4 का होगा, 1/3 का होगा। सीलिंग का जो प्लास्टर होता है वो 6 mm होता है, समझ रहे हैं? सीलिंग जो होती है वो लेकिन होता है या ना तो उसका क्या मतलब नहीं होगा। सीलिंग का जो प्लास्टर होगा कितना होगा? 6 mm। उसके अंदर का दीवार का 12 mm और बाहर का 20 mm। कितना होगा? बाहर का 20 mm। बाहर में दो बार किया जाता है, ठीक है। चुनाई का मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि आप लोग चुनाई के बारे में कोई आता है बाहर से पूछने वाला, परीक्षा लेने वाला, तो चुनाई पे ही ज्यादा पूछता है। तो चुनाई का क्या है कि 4 तरह का बॉन्ड होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया मिस्त्री को कितना हाइट तक करना होता है भारत। मिस्त्री कितने हाइट तक करता है? वो तो स्कैफोल्डिंग वाला करता है, मिस्त्री भी करता है भारत, करता है ना अपने काम के लिए, रिपेयरिंग चुनाई करना तो करता है ना। चुनाव का भारत कितना हाइट तक करता है? 3600। कितना बताना है? 3600। 3 मीटर 600, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट कितने हाइट पर पहनते हैं? 1800। कितना? 1800 पे, ठीक है। ये सब याद रखना हम लोग को। सेफ्टी बेल्ट कितने हाइट पर पहनते हैं? 1800 पे, 1800 से 2 मीटर, ठीक है। और कितना हाइट पर भाड़ा करते हैं आप लोग? 3600। तो भाड़ा करने से पहले क्या देखेंगे? जमीन में करना है तो पहले जगह देखेंगे। क्या देखेंगे? जगह देखते हैं, ये जगह बराबर है कि नहीं। क्या हो अगर ऊपर नीचे में गए तो क्या होगा? प्लाट जाएगा, दर्द नहीं पाएगा। बैठा होना चाहिए, लूज मिट्टी ना हो। लूज मिट्टी में होगा दब जाएगा, कपड़ में गिरने का डर रहेगा, है कि नहीं? तो मिट्टी बैठा हो, जगह बराबर हो, फिर हम भाड़ा करते हैं। भाड़ा को चेक किया जाता है कौन सा टूल से? जगह मतलब वो भाड़ा बराबर है कि नहीं, कैसे? 30,000 से चेक करते हैं भाड़ा को। भाड़ा कैसे चेक करेंगे भाड़ा बराबर में है? साहू से। किससे? साहू से। भाड़ा का नीचे का जो होता है वो बेस प्लेट लगाते हैं ना, तो उसको भी लेवल पाइप से चेक किया जाता है। अगर आप टेक्निकली ये करोगे तो उसका भी जो लेवल होता है लेवल पाइप से चेक किया जाता है। लेवल पाइप का क्या क्या काम है? लेवल पाइप से क्या करते हैं ये पूछेगा। लेवल पाइप का क्या काम है? क्या करते हैं? वाटर लेवल करते हैं। और वाट मतलब जो लेवल पाइप को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? लेवल चेकिंग और लेवल को ट्रांसफर। एक जगह
दूसरे जगह ले जाना हो तो कैसे ले जाएगी? लेवल पार्क से ले जाते हैं, तो लेवल पार्क का क्या काम है? लेवल चेक करना और लेवल को ट्रांसफर करना। क्या ये काम है? सबका अपना अपना काम है ना। जैसे रूसा है तो उसे प्लास्टर करते हैं, कपनी ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो भाड़ा मिस्त्री को कितना हाइट तक करना होता है? 3600 तक, ठीक है। कैसे करते हैं? नीचे क्या चेक करते हैं? मिट्टी का बैठा हो और बराबर हो, ठीक है। उसका साइज क्या क्या होता है? किसका? स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड जो खड़ा करते हैं उसको स्टैंडर्ड नहीं करते ना, वर्टिकल करते हैं। वो करते हैं ना, नारियल की रस्सी और बांस का करते हैं ना, पारंपरिक कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल भारत, ट्रेडिशनल मतलब जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल। तो क्या हो गया? पारंपरिक मतलब पहले से आता हुआ कोई भी चीज जो पहले से आ रहा है पूर्वज से, उसको क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। ये बाद में आया है जो लेदर वाला, तो वो हो गया आपका ट्रेडिशनल, हो गया पारंपरिक वाला है। वो कैसे किया जाता है? बांस बल्ली और नारियल की रस्सी से। क्या नारियल की रस्सी को पानी में भिगो के तब बांधा जाता है ना, तो टूट जाएगा क्या? सही है ना, ऐसे करते है ना। ये कौन सा है सिस्टम है? ये लॉक वाली राती जहाँ हेवी लोड वाला जहाँ होता है, ओवर ब्रिज बनता है, ये सब होता है वहाँ